और एचएस फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर कॉमर्स ट्यूशन एंड बिकॉम ट्यूशन यू कैन कांटेक्ट विद मी इन दिस नंबर 6001601899 सो वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर न्यू वीडियो सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बात करेंगे आप लोग के जो अपकमिंग टीडीसी के और सेम के एग्जाम्स आ रहे सो so, उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है सो so, जो नए स्टूडेंट्स इस बार आए हैं फर्स्ट सेमिस्टर में जो एडमिशन लिए हैं सो so आप लोगों को मे भी उसके आइडिया कम हो सकते हैं कैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है और थर्ड एंड फिफ्थ सेम में जो ज्यादातर स्टूडेंट्स है उनका भी अभी तक ऑफलाइन एग्जाम्स के जो एक्सपीरियंस है ज्यादातर आए नहीं है क्योंकि दो साल जो गए थे 2020 एंड 21 तो दोनों साल ज्यादातर एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे और असाइनमेंट मोड पे ही पास करा दी गई थी स्टूडेंट्स लोगों को सो so, ऑफलाइन एग्जाम्स से बैठने के ज्यादातर चांसेस कम मिले सो so, आप लोग को आइडिया कम होंगे कि यूनिवर्सिटी किस पैटर्न में क्वेश्चन करते हैं और किस पैटर्न में आपको प्रिपरेशन करके जाना है एग्जाम्स के लिए सो so, आज के वीडियो में उसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिले कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए और एग्जाम में अच्छे से स्कोरिंग कर पाए सो so, आप लोगों को क्या करना है हर बार की तरह वीडियो में तक बताए so, को स्टार्ट करते हैं। सो so फर्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न के बारे में सो क्वेश्चन पैटर्न जो है बीकॉम बी एस सी बी एंड बी कॉम में वेरी करते सब्जेक्ट वाइज subject भी वेरी करते हैं so, सो आपको कहा से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन पैटर्न क्या होंगे सो so, उसके लिए आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसे कलेक्ट करना होगा सो टू से ही हमारे सीबीसीएस के जो बैच है उस बैच के फाउंडेशन हुई थी 2018 में जिन स्टूडेंट्स लोगों ने एडमिशन लिए थे टीडीसी में सो so उनका कोर्स सीबीसीएस हो गया था और उससे पहले के कोर्स का नाम अभी हम नॉन सीबीसीएस कहते हैं so सो उनके एग्जाम 2019 में हुए थे फर्स्ट जो एग्जाम गए थे उनके 2019 में फर्स्ट और सेम के एग्जाम गए थे सो so आप 2019 के जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को कलेक्ट

करना होगा वा से आपको क्वेश्चंस पैटर्न क्या है ये आपको पहले समझना होगा उसके बाद सेकंड अगर पॉइंट्स पे आए हम हाँ, आपको जो आपके सिलेबस होते हैं आप जब भी बुक्स आप ऑन करोगे बुक्स में आपको इंडेक्स मिलेंगे सिलेबस मिलेंगे उस सिलेबस में जो जो टॉपिक्स है उस टॉपिक को अच्छे से आपको पढ़ के जाना होगा उसमें से कुछ टॉपिक 1 2 मार्क के आते हैं और अदर जो टॉपिक्स ब्रॉड क्वेश्चंस पे आते हैं तो जिनका ऑलरेडी ट्यूशन से प्राइवेट ट्यूशन से तो ऑलरेडी आपके सार या मैडम ने तो ऑलरेडी आपको नोट्स प्रोवाइड करके दिया है आप वहां से पढ़िए बट आप अपने जो बुक्स में देख सकते हो सिलेबस या फिर आश्रम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट जाके आप अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो तो उस सिलेबस में जो जो टॉपिक्स है उस टॉपिक को आप उनके जो ट्यूशन के जो क्वेश्चन आंसर मैडम ने या सर ने प्रोवाइड किया है वहां से मैच करके उनको अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि आश्रम यूनिवर्सिटी जब क्वेश्चन बनाते हैं उससे उनके सिलेबस के जो टॉपिक्स होते हैं उसी टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन

क्योंकि रट्टा जब आप मार के जाओगे तो उस समय में जाके अपने एक आ, दो सीख के बाकी टॉपिक उस सिलेबस का आपने पढ़ा नहीं तो ब्रॉड क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी वहां से दे देते कभी कभी टू मार्क्स स्टैंडर्ड के को यूनिवर्सिटी फाइव मार्क्स करके फोर मार्क्स करके दे देते उससे वो लोग टेस्ट करके के स्टूडेंट्स ने उसे अच्छे से टॉपिक को पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा अगर आप अच्छे से टॉपिक पढ़ के जाओगे तो आप बना के उसको लिख पाओगे सो so, ये दो मेन सोर्स है जिससे आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जा सकते हो आप लोगों के लिए 2019 का जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट होगा वहां से बहुत सारे क्वेश्चन को 2022 के क्वेश्चन में रिपीट कर देंगे सो so, अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए और मैं ट्राई करूंगा और अच्छे अच्छे वीडियो से, से लाने के लिए आप लोगों के लिए सो so, आशा अच्छा वीडियो रिलेटेड कंप्लीट आप चैनल पे मिलते रहेंगे एंड एजुकेशनल अपडेट्स में मिलेंगे और वीडियो अच्छे लगने से एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करना मत भूलना ताकि उनको भी कंप्लीट अपडेट मिले और ऐसे के स्टूडेंस मेरे साथ बने रहे चैनल के साथ जुड़े रहे सो, और थैंक फॉर ज्वाइनिंग मी